त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। तारानगर कस्बे की सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए आज नगरपालिका में प्रधान संजय कसवा, अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी व अमित बुडानिया ने पालिका के 6 ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इन ई रिक्शा को रूट चार्ट तैयार कर नियमित रूप से कचरा संग्रहण के लिए लगाया जाएगा। इस मौके पर संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष अमीलाल प्रजापत, पूर्व अध्यक्ष याकूब खां, हरि सिंह बेनीवाल व कुंदन सैनी सहित पालिका का अन्य स्टाफ मौजूद था। कुछ दिनों से चल रहा था कि सफाई संपूर्ण नहीं हो रही है, छोटी मोटी जो गलियां हैं उनमें अपने जो बड़े ट्रैक्टर थे वो नहीं जा पा रहे थे, तो विधायक महोदय के अथक प्रयास से और आज वो समस्या भी हमारी दूर हो गई। उससे पहले जब MLA साहब ने मीटिंग ली थी कि लाइटों की समस्या थी, तो शायद लाइटों की जो साहब टेंडर हो चुके हैं, कुल मिला के सफाई रोशनी की व्यवस्था है वो एक हफ्ते में अपनी पूर्णतया दुरुस्त हो जाएगी। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एवं माननीय NGT के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में तारानगर शहर में 100% डोर टू डोर कलेक्शन का टारगेट पूरा करने के लिए 6 ई रिक्शा क्रय किए गए, जिनका आज आम जनता के लिए उद्घाटन किया गया। ई रिक्शा के माध्यम से हम प्रत्येक गली, चाहे वो संकरी हो, उनमें जाकर प्रत्येक घर से डोर टू डोर गीला और सूखा कचरा कलेक्ट करेंगे और उनको निस्तारण पॉइंट जो हमारे द्वारा MRF बनाया गया है वहाँ पर ले जाकर उनका सेग्रीगेशन करेंगे और उसका डिस्पोजल करेंगे। इसी कड़ी में आज ये उद्घाटन किया गया है और शहर की जनता को 6 ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रत्येक घर से कचरा कलेक्ट करके उसको डंपिंग यार्ड तक पहुँचाया जा सके और शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार किया जा सके। तारानगर पंचायत नगर पालिका में 6 इलेक्ट्रिक कचरा ढोने वाले वाहन आज दिए गए हैं और ये एक शुरुआत है कि तारानगर शहर में जो कचरा की समस्या है और जो जितनी छोटी छोटी गलियां हैं उन गलियों में ये साधन जा सकें और वहाँ पे उनकी सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे और भी आएंगे और तारानगर शहर को हम एकदम स्वच्छ और एक स्मार्ट सिटी के रूप में आगे देखेंगे। राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में आज चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय मुंदेला ने स्वास्थ्य मित्र व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर कोरोना वैक्सीन व पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि COVID-19 वैक्सीनेशन के अलावा टीकाकरण, परिवार कल्याण, मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य के सभी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो महाअभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। को लेकर स्वास्थ्य मित्रों की मीटिंग की गई है जिसमें उनको बताया गया है कि पहले चरण में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे NMNG हो, चाहे डॉक्टर हो और स्वास्थ्य मित्र, सभी को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी जो कि जल्दी आने वाली है। और इसमें हमने उनको बताया कि द्वितीय चरण आएगा जिसमें हम इनको सर्वे करना है, 50 वर्ष से जितने भी बड़े लोग हैं और 50 वर्ष से ऐसे लोग जिनके गंभीर बीमारियां हैं, जिनके शुगर, BP, डायबिटीज, गुर्दे फैल हैं, कैंसर है, उन लोगों की भी जांचें करवाई जाएगी। ये इन पे मोबाइल पे मैसेज आएगा बाकायदा कि आपके इस दिन टीकाकरण इस जगह होना है, इनकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ हमने इनको चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की दूसरी योजना के बारे में बताया। सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में कृषि कानूनों के विरोध में दिया जा रहा धरना लगातार 18वें दिन भी जारी रहा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने, फसल खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने, बिक्री के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की मांग की गई। धरने पर रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, खीमाराम डुकिया, वार्ड पंच मदनलाल भामू एवं सोहेल गोपालपुरिया सहित अनेक किसान उपस्थित थे। हम आज सुजानगढ़ SDM कार्यालय के सामने
18 दिनों से किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। और जो दिल्ली में हमारे किसान आज 38 दिनों से किसान विरोधी बिलों की मांग को लेकर के जो अनिश्चितकालीन महापड़ाव चल रहा है, उसी के समर्थन में हम सुजानगढ़ SDM कार्यालय के सामने बैठे हैं। और हम माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहते हैं कि ये किसान एक आग है और आप इस आग से खेलना बंद करो, और ये जो तीनों बिल है आप इनको वापस ले लो। सुजानगढ़ के भाजपा कार्यालय में आज महिला मोर्चा द्वारा सुजानगढ़ व बीदासर पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान एवं MBBS तथा व्याख्याता के पद पर चयन होने वाली बालिकाओं का स्वागत एवं सम्मान किया गया। मोर्चा संयोजिका राधा प्रजापत के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान मनभरी देवी मेघवाल एवं बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल का माला, दुपट्टा एवं साड़ी प्रदान कर सम्मान किया गया। वहीं MBBS में चयनित होने वाली शिवानी घारू एवं व्याख्याता के पद पर चयनित मोनिका लाखन का भी माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी मेघवाल ने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के विकास एवं संगठन की मजबूती के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के मायने हमारे 70 साल बाद के मायने भारतीय जनता पार्टी मान पहली बार प्रधान बने तो मनभरी जी सुजानगढ़ प्रधान और बिदासर संतोष जी मेघवाल प्रधान, तो मेरे मन में थोड़ी यहाँ बढ़िया लगी होगा। मन थोड़ी पहली बार प्रधान बने हैं तो मैं पार्टी के लिए थोड़ो सम्मान समारोह लगेगा। और दो बच्चे हैं आपने सुजानगढ़ की MBBS में सिलेक्शन हुए है, तो बच्चों को भी स्वागत करके बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और सौभाग जी कंवर, सुमन जी सामरिया, सरोज जी अग्रवाल, सुषमा रकौत और सारी हमारी टीम ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। श्री दादू दयाल सैंड स्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अनाज से लेकर अन्य खाद्य सामग्री की पैकिंग में पहले बार दाने का उपयोग बहुतायत से होता था, वहीं पैकिंग के साथ साथ इस बार दाने को घरेलू स्तर पर भी उपयोग में लिया जाता था। लेकिन वर्तमान में बढ़ते प्लास्टिक के प्रयोग से बार दाना धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। इसी विषय पर देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। दोस्तों, चूरू की इंडस्ट्रियल एरिया में हम आए हैं आज, और आपको एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं जहां पर बोरियां मिलती हैं। अभी इस समय जो है प्लास्टिक के कट्टों का उनका प्रचलन चल पड़ा है, तो बोरियां मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमें भी क्या है, खेत के लिए उसके लिए चाहिए थी, तो ढूंढते ढूंढते आए, तो हम देखते हैं कि आप तक भी ऐसी सूचना पहुंचे कि बोरियां मिलती हैं, एक दो ऐसी जगह हैं,
तो ये हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी? जमालदीन। जमालदीन जी, ये आपकी फैक्ट्री जो है इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ है? ये 5 नंबर रोड पे। 5 नंबर रोड पे। तो ये जो बारदाना है, आजकल तो इसका मार्केट में प्रचलन बहुत कम हो गया। हाँ, सारी चीजें प्लास्टिक में आने लगी। प्लास्टिक में होगी तो क्या काम में लेते हैं आप? ये किसान में बेचते हैं, जहाँ ग्वार है, मोठ है, मूंग है, सरसों है। अच्छा, उसके लिए लेकर जाते हैं। जाते कितने रुपए की बोरी आती है, कितने, क्या नंबर के हिसाब से आप बता रहे थे? 1 नंबर 2 नंबर जिसकी क्वालिटी भी सभी साझी। अच्छा, 1 नंबर का कितना रुपए होता है? 27 रुपया। 27। और 2 नंबर का? 21-22 रुपया। और 3 नंबर का? 3 नंबर का 11-12 रुपया। 11-12। अच्छा, ये मतलब वैसे तो देखिए सर्दियां हैं तो आप बिछाने के लिए या अपने पशुओं को उड़ाने के लिए, सबसे बढ़िया जो इसका काम है वो अपने गाय भैंसों को उड़ाने के लिए छान के ऊपर भी जो है वो लोग लगाते हैं। साइड बताते हैं ठंड के लिए, बचाने के लिए, के लिए जी। तो जहां बोरी का काम आना होता है वहां बोरी काम आती है और उसका जो लाभ है वो जो काम में लेते हैं उनको पता है। तो ये बारदाना है और इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। तो ये त्रिनेत्र टीवी के लिए हम आपके आपको एक सूचना जो है दे रहे थे। अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार रात्रि को सालासर पुलिस थाने में 5,68,000 रुपए की लागत से बने स्वागत कक्ष एवं भीमसर में सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के बावजूद राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का मैनेजमेंट राज्य में अद्भुत कौशल के साथ किया गया। वहीं कोरोना बीमारी से बचाव और उपचार के साथ साथ लोगों की आजीविका के लिए भी समुचित प्रयास किए गए। चूरू के दांदू भवन में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अयोध्या निधि समर्पण संग्रह अभियान के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्वामी अर्जुनदास महाराज, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, अमरपुरा धाम के महंत सुरेंद्र सिंह राठौड़ व विद्या भारती के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। उद्देश्य के साथ हम सब लोग एकत्रित आए हैं। श्रद्धेय निम्बाराम जी के विचार उत्तेजक उद्बोधन के बाद कहने को कुछ बचा नहीं, किंचित मात्र जितना सहयोग होगा निश्चित तौर पर करेंगे। मैं मेरी ओर से मेरे मित्र गौरी शंकर जी, विजय जी और इन सबसे बात करके 1 करोड़ रुपए की राशि। जय श्री राम। आज चूरू जिले का कार्यालय का उद्घाटन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यालय का उद्घाटन एवं चूरू जिले नगर एवं खंड की कार्यकारिणी और चूरू जिले की जिला समिति और जिला टोली का निर्माण किया गया। अभी ये अभियान जो मंदिर निर्माण का अभियान है ये 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक बड़े जो प्रतिष्ठित हैं उनके पास में जाएंगे। उसके बाद में 1 जनवरी से 14 फरवरी तक महाअभियान रहेगा, व्यापक अभियान रहेगा, जिसमें 10 रुपये, 100 रुपये और 1,000 रुपये कूपन के माध्यम से प्रत्येक घर तक, प्रत्येक भारतीय तक हम पहुँचेंगे। ये अभियान का माध्यम रहेगा, हर व्यक्ति का उसमें सहयोग रहे, सहयोग राशि लगे। धन्यवाद। जय श्री राम। रतनगढ़ के गांव बीरमसर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस पर शनिवार को ग्राहक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सरपंच प्रतिनिधि परमाराम नेहरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक तरुण कुमार कटारिया ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सत्यनारायण प्रजापत को 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया तथा मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम को सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मुकंदाराम नेहरा, पूर्व सरपंच हुसैन खां, भवनलाल पुनिया ने भी संबोधित किया। ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन के आह्वान एवं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में 1 से 15 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भारतीय रेल कार्मिकों के अस्तित्व को बरकरार रखने एवं NPS DA एवं निजीकरण सहित विभिन्न मांगों के निपटारे के लिए जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी के तहत रतनगढ़ में बीकानेर मंडल की स्थानीय शाखा द्वारा पखवाड़े के अंतर्गत शनिवार की शाम विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। इस मौके पर शाखा सचिव राम सिंह शेखावत, सहायक सचिव संजय कुमार माली, सकुदान चारण सहित कई रेल कर्मचारी उपस्थित थे।
श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। नव वर्ष के अवसर पर सरदार शहर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। रतनगढ़ के कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में ज्योत प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अवसर पर गायक प्रदीप पारुल आत्रे ने भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय किया। कार्यक्रम में प्रकाश सुरेका, नीतीश, रामलाल मिश्र, ललित लाखोटिया आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। चूरू की राजकीय पारक विद्यालय में आज समाज सेवी महेंद्र पारक ने वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु संस्थान प्रधान सरोज सैनी को N95 मास्क भेंट किए। इस अवसर पर पारक ने कहा कि कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा कार्य किया गया है, यह सरकार का सराहनीय कार्य है। इस मौके पर संस्था प्रधान ने पारक का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। चूरू के उपवन संरक्षण कार्यालय में आज शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व जन जागरूकता अभियान के तहत उपवन संरक्षण अधिकारी राकेश दुलार को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए मास्क का गुलदस्ता भेंट किया। इस मौके पर दुलार ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथों को बार बार धोना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना आदि बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वहीं तूनगरिया का यह महाअभियान बहुत ही सराहनीय है। बाबूलाल जी तुनगरिया जी हैं, ये इस क्षेत्र में कोविड के जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें इनका सक्रिय योगदान रहा है। इस आदमी ने आज तक हमें 3-4 बार कांटेक्ट किया, मास्क बांटे, हर विभाग में इनका शानदार योगदान रहा है। तो इनको ये साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे जनता में ये संदेश जाता है कि आप भी हर आदमी इस क्षेत्र में डिवोटेड रहे कि कोविड को इसी सिस्टम से हटाना है अपने को। सरदार शहर में मलमास के असर पर स्थानीय व्यापारियों के द्वारा आज भैरव मंदिर के आगे पोष पड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पंडित विनोद मिश्रा द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिव रतन सर्राफ सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। नववर्ष आगमन के अवसर पर सरदार शहर युवा शक्ति मंच के द्वारा शहर में जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म वस्त्रों सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने बताया कि सभी साथियों के सामूहिक सहयोग व जनसेवा की भावना से ऐसे कार्य सफल हो पाते हैं। संस्था द्वारा ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। इस मौके पर सुनील मिश्र, भरत शर्मा, रविश सुथार, आरिफ नसवान सहित बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद थे।
गांजा व अफीम के साथ गिरफ्तार 21 वर्षीय युवक को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार पुलिस ने रतनगढ़ के वार्ड संख्या 27 में स्थित एक घर में दबिश देकर प्लास्टिक के कट्टे से 7 किलो 600 ग्राम गांजा, 100 ग्राम अफीम एवं 56,560 रुपए नकद बरामद कर 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने NDPC एक्ट में मामला दर्ज कर युवक को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। एक पालतू ऊंट ने अपने ही मालिक के हाथ का पंजा चबा लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना शनिवार को रतनगढ़ तहसील के गांव भरपाल सर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय मुकेश मेघवाल घर में बंधे ऊंट की नाक पर दवा लगा रहा था, इसी दौरान ऊंट ने उसका हाथ मुंह में चबा लिया। अज्ञात वाहन की टक्कर से अकाल मौत के शिकार हुए 21 वर्षीय युवक के शव का शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के चाचा संजय नायक की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव मालपुर निवासी शायर कुमार रतनगढ़ की तरफ आ रहा था कि अज्ञात वाहन ने उसके टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।